हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं निकलने वाली हूँ मुंबई, एक दिन के लिए जा रही हूँ। मैं आज जाऊँगी, कल पहुँचूंगी, कल पूरा दिन रुकूंगी, नेक्स्ट डे शाम की मेरी ट्रेन है और उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ भोपाल पहुँच जाऊँगी। तो मैं ट्रेन से ही जा रही हूँ दोनों टाइम। तो जाने से पहले मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद मामाअर्थ। जब भी हम ग्लास स्किन के बारे में सुनते हैं, हम लोग रिलेट करते हैं, हमारे दिमाग में जो फेस आता है वो कोरियन मॉडल का आता है, जिनकी काफी ग्लोई प्लम्प और इस तरीके की स्किन दिखती है। राइस एज एन इंग्रेडिएंट हैज बीन यूज्ड फॉर जनरेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया स्किन को हेल्दी रखने के लिए एंड टू अचीव दैट ग्लास स्किन। मामाअर्थ आप लोगों के लिए क्विकर सोल्यूशन लेकर के आए हैं टू अचीव दैट काइंड ऑफ अ स्किन। ये मामाअर्थ का राइस वाटर फेस रेंज। इनके जो की इंग्रीडियंट्स हैं वो है राइस वाटर, नियासिनमाइड एंड ग्लिसरीन। राइस वाटर स्किन को क्लेरिफाई करता है, नियासिनमाइड हेल्प्स टू रिमूव द डेड स्किन, और जो ग्लिसरीन है वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है राइस वाटर फेस वॉश से। उसके बाद आपको राइस डे क्रीम लगाना है इवनली आपके फेस एंड नेक पे, जेंटली मसाज करना है फिंगर टिप से अंटिल इट गेट्स अब्सॉर्ब। बेसिकली ये करता क्या है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, इवन आउट करता है स्किन टोन को SPF 30S के अंदर, जो कि सन प्रोटेक्शन देता है। नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड, मतलब दिस इज फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पर दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर। मामाअर्थ ने अपना ऐप लॉन्च किया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स, हैंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। आप जब भी मामाअर्थ को कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्यों जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, वो सब मैं आपको गाड़ी पे चलते हुए बताती हूँ। मुंबई तो मैं अभी ऐसे मिड में, मतलब राखी को 6 से 7 दिन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उससे पहले ही आ जा, मतलब उसके पहले मेरी जर्नी हो जाए ताकि रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा रश ना हो। तो मैं जा रही हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, एक्चुअली बहुत सारे पार्सल्स मेरे वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और फिर घर को भी ढंग से थोड़ा एक होता है ना पैक वैक करके आना, वो मैं करके आऊंगी, और दूसरा मेरे जो काम की चीजें हैं जो मुझे बनाना है वो मैं लेकर के आऊंगी, बिकॉज एक महीने तक तो मैंने छुआ भी नहीं है लिटरली काम को, और वो ठीक है बनता है उतना। तो अब मैं वापस आई एम कमिंग बैक टू माई वर्क, तो धीरे धीरे सारा अपना लेकर के आना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो बस उसी के लिए मैं निकल रही हूँ, एक बैग लेके जा रही हूँ अपना, वो भी खाली है मेरा, वो बैग का रखा है, तो एक बैग लेकर के जा रही हूँ वो भी खाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो मीडियम साइज की ट्रॉली होती है ना, ये एकदम स्मॉल साइज की ट्रॉली है, तो मीडियम साइज की ट्रॉली मैं लेकर के आ जाऊंगी वहां से। थोड़े अपने जैसे अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो फेस्टिवल्स के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत कपड़े रख करके लेकर के आऊंगी। सो यस, ये है विक्की, मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। थैंकफुली हम लोगों को टिकट्स मिल गई हैं भाई, अभी रश नहीं है अभी ट्रेन में इतना ज्यादा, और टीनू भी आ गई है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। I don't know where she came from, kinda turned me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. So I just reached home and this is the condition of the home. घर के अंदर तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, but it's just sad to see the condition of this balcony. ये टूट चुका है, इसका ये जो थ्रेड है आई थिंक पूरा गल गया या क्या हुआ है, ये पूरा जो थ्रेड है ना ये निकल गया है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से गिर गए एंड थोड़ी बेकार कंडीशन में हो गए हैं। तो जो मोस्टली प्लांट्स है ना वो मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोगों को टाइम लगेगा, बट ये जो गिरा है ना उसकी वजह से ये थोड़ा तहस नहस हो गया है, जो हमारा जो प्लांटर स्टैंड गिर गया है उसकी वजह से। तो ये जो हम लोगों ने इतने सारे प्लांट्स लगाए थे, हमने एक कंसिडर किया था एक सिस्टम लगाने का यहाँ पर, जिससे अगर हम कभी छुट्टी पे जाते हैं तो हम प्लान कर रहे थे उस चीज़ के बारे में, हमने कहा 2-3 महीने में कर लेंगे, थोड़ा वर्कआउट कर रहे थे कि हमको DIY किट लाना ज़्यादा बेटर रहेगा या उस सिस्टम को लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन हुई वो एकदम सडन हुआ, मतलब ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट करता है क्या ऐसी चीज़ें, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सडनली हुई कि ऐसी छोड़ के कंडीशन में जाना पड़ा है ना, जब कुछ भी ऐसा चीज हो जाता है। तो अभी ठीक है, ऑल्दो काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रीन ही है, बट कुछ प्लांट्स में या तो ओवर वाटरिंग हो गई है या क्या हो गया है, तो वो ख़राब हो गए हैं।
अभी तो मैं इतना नहीं सोच रही हूँ उनके बारे में, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे मैं प्लांट्स लगाऊंगी तो आई विल मेक श्योर कि जो हम वाटर सिस्टम होता है, अगर हम कभी छुट्टी पे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, तो उनको पानी प्रॉपरली मिलता रहे। तो पेपर फ्राई से मुझे कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं, तो हम जब चले गए थे तब ये पार्सल्स आए थे, तो जितने भी पार्सल्स हैं वो हमारे नेबर्स जो हैं, काफ़ी अच्छे नेबर्स मुझे मिले हैं इस वाले सोसाइटी में। तो जो तीनों नेबर्स हैं, मतलब चार घर हैं, उनमें से जो तीनों हैं तीनों बहुत अच्छे हैं, तो एक 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 मैंने सबके घर में रखवा दिया था, क्योंकि बड़ा पार्सल था, ऑब्वियसली किसी को भी प्रॉब्लम होगा, कोई बोले नहीं भले ही। बट विक्की जब गया था तो मैंने विक्की को बोल दिया था कि इनको घर पर रख देना, मैं आऊँगी तब इसको सब ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो इसके अंदर जो है मेरे पास पेपर फ्राई से मैंने एक क्रॉकरी सेट मंगवाया था, बड़ा ही प्यारे से कलर का क्रॉकरी सेट है, ये मेरा जो फेवरेट कलर है, मुझे ऐसे मस्टर्ड येलो इस तरीके के कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो मस्टर्ड येलो कलर में मैंने ये मंगवा करके रखा था, क्रॉकरी सेट है ये। तो एक जो बाउल है ना वो क्रैक हो गया है, मतलब अब मैं बस यही सोच रही थी कि बाकी सामान दैट सी कि क्रैक होता है कि नहीं होता है। तो प्लेट्स वगैरह जो है वो तो काफ़ी अच्छे से पैक करी थी, बट बाउल्स इन लोगों ने बहुत अच्छे से पैक नहीं किया था, जिसकी वजह से जो एक बाउल है वो चटक गया था, और बाकी मैंने बहुत, हाँ वैसे मैंने प्लेट्स काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख लिया था, काफ़ी हैवी प्लेट थी, मतलब क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं लिंक डाल दूंगी अगर मुझे लिंक मिल जाती है तो, वैसे होगी मेरे पास ऑर्डर्स में। तो ये है देखिए बड़े बाउल्स हैं, उसके बाद ये जो लार्ज साइज़ की प्लेट होती है वो है, और जो मीडियम साइज़ की प्लेट होती है वो यहाँ पर आई है। बट ये बाउल्स जो है ये मुझे ऐसे इसके प्लेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट मम्मी को दिखा रही थी तो मम्मी तो कह रही थी बहुत सुंदर लग रहा है, तो ठीक है रख लेंगे इनको, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ किचन में। गॉट अ कॉल फ्रॉम विक्की। हेलो, ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और अभी थोड़ी थकान लग रही है, तो मैं खाना मंगवाया है मैंने अपने लिए, मैंने सोचा मेरे यहाँ हालांकि कुक लगी हुई है, बट वो आई भी थी आज, बट फिर वही है कि वेजिटेबल्स लाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, कल मैं निकल ही जाऊँगी तो वो सारी सब्जियाँ वब्जियाँ सब वेस्ट होती हैं, तो मैंने खाना मंगवा लिया है, तो फटाफट से खाना खाती हूँ और फिर मैं निकलूँगी अपने काम से, मुझे एक दो काम और कम्प्लीट करना है। मैंने अपना पूरा किचन जो है वो आज एकदम अच्छी तरीके से क्लीन किया है, थोड़ा डीप क्लीनिंग टाइप का जिसको बोलते हैं ना, वैसा किया है क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। तो यस, खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो आई जस्ट गॉट रेडी, पहले मैं इतना थक गई थी तो मैंने सोचा यार मैं सोती हूँ 2 घंटा, फिर आई थॉट कि जब मैं आ ही गई हूँ और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, लेट्स मेक द यूज़ ऑफ दिस टाइम। तो मैं क्या करने वाली हूँ, भी फटाफट से 2 से 3 4 वीडियोज़ मैं शूट कर रही हूँ, एक तो मैं फटाक से किचन टूर शूट करने वाली हूँ, दूसरा मैं आइकिया के जो प्रोडक्ट्स मैंने फर्नीचर लिया हुआ है उसके पास, उसके लिए भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आप उसका रिव्यू दो एंड ऑल दैट, तो वो शूट करने वाली हूँ, तीसरा और डेकोर से रिलेटेड ही, मतलब मैंने कॉन्टेंट बना लिया है कि मैं फटाफट से शूट करती हूँ ताकि जब मैं भोपाल जाऊँ तो मेरे पास एटलीस्ट इस मंथ कुछ पोस्ट करने के लिए रहे। और या सो आई एम जस्ट मेकिंग कॉन्टेंट, आई एम दैट्स वाई थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, फटाफट से चेंज करती हूँ और या लेट्स मेक द किचन टूर। हालांकि अभी किचन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत एक मेजर चीज जो मुझे करना है किचन में वो रह गई है, बट ठीक है वो पता नहीं कब होगी। तो मैंने सोचा जितना हो गया है चलो उतना ही दिखा देते हैं, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो वीडियो नंबर 1 इज डन, बहुत टाइम लग गया मुझे उसमें किचन का टूर बनाने में, ऑल दो बहुत परफेक्ट नहीं बना है, बट जैसा भी बन गया मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और अभी मैं निकल रही हूँ, यहीं पास में मुझे थोड़ा सा काम है उसके लिए जाना है, फटाफट से वो काम निपटा करके आती हूँ और फिर आप से मिलती हूँ। आज हम लोग पैकिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी कुछ पैकिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी है कि क्या क्या मुझे लेकर के जाना है। ये मेरे फाउंडेशंस निकाल के रखे हैं मामा अर्थ के, तो जो शेड्स मेरे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, बाकी के जो शेड्स हैं ना ये एक्चुअली एक जो शेड है वो काफ़ी डार्क टोन के लिए है और बाकी के जो 3 शेड्स हैं ये बहुत ही लाइट स्किन टोन के लिए हैं, तो लेट्स सी जिसको भी लगेगा उसको दे दूंगी मैं। तो कल जो बैग लेकर के जाने वाली हूँ वो मैं ये लेके जाऊंगी, आई रियली डोंट नो कि कल मैं इसको कैसे कैरी करने वाली हूँ बिकॉज ये काफ़ी बड़ा बैग है, तो बस भगवान मुझे शक्ति देना। ओके, सो मेरा जो बैग है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है और 2 जीन्स और लेकर के जा रही हूँ मैं। कवर द सोफ़ा लाइक दिस कि एटलीस्ट जो डस्ट ऊपर सेटल होती है ना वो इतनी ज़्यादा सेटल ना हो। सो दिस इज़ वॉट ऑल आई हैव पैक्ड। और उसके बाद ना मैं मम्मी का जैकेट लेकर के आई थी कि इनकेस अगर मुझे ट्रेन में बहुत ठंड लगेगी तो आई विल वियर हर जैकेट, और एक बेडशीट लेकर के आई थी, और ये अम्ब्रेला, और ये 2 चीज़ें वापस यहीं छोड़ने के लिए आई थी। मिकी गलत टॉप लेकर के आ गया था, इसको यहीं रख दो।
डन विद द पैकिंग और ये बैग आई रियली डोंट नो कि मैं कल कैसे उठाऊंगी. इट्स टू हैवी एंड बट ठीक है, वील मेक इट. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग. सो आई लिटरली वोक अप एट 10, मतलब मैं लिटरली गुड 10 आवर्स के लिए सोई हूँ, लाइक आफ्टर अ मंथ. खतरनाक वाली सोई हूँ मैं, क्योंकि कुछ और काम ही नहीं था. यस, अभी जस्ट सो करके उठी हूँ. बेड वगैरह ठीक करते हैं. तो हमने जो बेड का पीछे का चेंज करवाया था हेडरेस्ट, उसको भी मैं फटाक से, मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह डाल करके पैक कर दिया है. मतलब जहाँ जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि डस्ट पकड़ लेगी चीज़ें, वो सब मैंने अच्छे से पैक कर दिया है. बाकी जो फर्नीचर है वो सब हमारा मोस्टली ग्लॉसी उस पर है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है. वो सब तो हम आ करके डस्टिंग वगैरह क्लीन करेंगे तो उससे क्लीन हो ही जाएगा. तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है. उसके बाद ये विक्की वाली बालकनी है, वहाँ पर मैं पानी वगैरह डाल रही हूँ. अभी जस्ट मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है, तो मैंने नॉर्मल खाना ऑर्डर नहीं किया है, मैंने अपना फेवरेट खाना मंगवाया है. एंड दिस इज द लिस्ट जो कि मैंने बना करके रखी है. तो मैं यहाँ पर आई थी 3 वीडियो बनाने के लिए, 2 वीडियो बनाती और एक मैं अपना जो ये व्लॉग चल रहा है, 3 वीडियो हो जाते हैं, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्लॉग जो मैं अभी बना रही हूँ, इसके अलावा मैंने टोटल जो वीडियोज बनाए, नंबर ऑफ वीडियोज दे आर 7 नंबर ऑफ वीडियोज. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैं 3 बनाने आई थी, पर अभी जस्ट अभी तुरंत भी मुझे बैठे बैठा एक और आइडिया आ गया, तो आई जस्ट मेक अ वीडियो. मैंने कहा बनाते हैं फटाफट से, ताकि ये महीना और जो अगला महीना है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए. बिकॉज अभी इतने ज्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं. उसके लिए ब्लॉग के लिए भी, जैसे आप कभी फ्रेंड्स व्रेंड्स के साथ कहीं मिलने गए या कुछ इवेंट होगा, राखी होगा, तब मैं करूंगी. बट घर के अंदर अभी क्या ब्लॉग बनाऊ, तो इसके लिए. और खाना वाना ऑर्डर हो चुका है. खाने को एंजॉय करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं. एक्चुअली मैंने शार भी नहीं लिया है, बिकॉज जब मैं जाऊँगी उससे आधा एक घंटा पहले शार लूँगी, अदरवाइज ट्रेन में वो फिर गंदा गंदा सा लगने लगता है. तो मैं खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइज, आई टुक शार, चेंज वेंज कर लिया है मैंने, और दिस इज माई ट्रैवल ड्रेस. मैं दिखाती हूँ आपको. सो दिस इज द लोअर और ये टी शर्ट है. मैं बहुत ही एकदम सिंपल सा ट्रैवल ड्रेस रखना, पहनना पसंद करती हूँ. क्यों? क्योंकि एक तो मुझे ये इतना, मुझे वैसे भी ट्रैवल में बहुत रेडी होना पसंद नहीं है, और एस्थेटिक आउटफिट्स पहनना नहीं पसंद है. मैं नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहनती हूँ अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो, और फ्लाइट से जा रही हूँ तब भी मैं ऐसे ही लूज टी शर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जीन्स डाल लेती हूँ, दैट्स इट. एंड नाउ आई हैव टू लिटरली कैरी दिस हैवी बैग. या तो मुझे कोई कूली मिल जाए नीचे ही तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, तो ये मेरा बैग है, इसी के अंदर मैंने जो मेरा हैंड बैग है ना वो डाल दिया है, क्योंकि उसको यहाँ पर टांगना एक अलग ही हेडेक है. तो जो विक्की के रूम वाली बालकनी है ना, इसके प्लांट्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है. एक्चुअली बड़े बड़े गमले हैं, तो इनमें आप 2-3 मग्गे पानी डाल लो ना, तो बहुत नीचे तक मिट्टी गीली हो जाती है. तो फिर ये चलते हैं 10-15 दिन तक, कोई इतना इशू नहीं होता है. तो चलिए इस रूम को लॉक कर देते हैं. दिस इज लॉक. ओके, एंड यहाँ पे हम इसको ओपन ही रखेंगे. इस विंडो को थोड़ा, जो कर्टन है वो ओपन रखूंगी, ताकि जो सनलाइट है वो आती रहे रूम में. Shut down the lights. सारे switches बंद हैं. इस washroom में भी देखें, सब बंद है. Kitchen is completely clean. और जो washing machine का switches हैं वो भी सब बंद है. Okay guys, तो जो cab है वो मैंने book कर ली है and I'm all ready. मेरी जो cab है वो पहुँचने भी वाली होगी, तो फटाफट से नीचे उतरते हैं और yeah, let's go. तो किचन एकदम क्लीन है, यहाँ पर ये दोनों एकदम पैक कर दिए हैं मैंने. यहाँ पर ये सारी चीज़ें एकदम क्लीन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ख़राब होने वाली है. मास्क में रखूँगी, बैग टांगूँगी, ये बैग लेके जाऊँगी, बाकी सब क्लीन है. ये मुझे बाहर डालना है. और ये रहे हमारे भगवान जी. तो बाय भगवान जी, जल्दी से पापा को ठीक कर दीजिए. तो निकल गई हूँ मैं रेलवे स्टेशन के लिए, और मैं ना बहुत टाइम पे निकली थी, मतलब टाइम से थोड़ा पहले ही निकली थी. बट अनफॉर्चुनेटली जब स्टेशन के पास पहुँचे तब बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे, मतलब सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे ट्रेन आने के लिए. और मैं थोड़ी पैनिक हो जाती हूँ ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, तो बिकॉज आई एम समवन जो बहुत टाइम पे जाता है. तो मैंने जब देखा कि मैं लेट हो रही हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी ट्रेन छूट ना जाए. ऊपर से मेरे पास इतना हैवी बैग था, तो वो पकड़ के बापरे स्टेयर से नीचे उतरना, कूदना, मतलब बस जैसे तैसे मैं ट्रेन पर बैठी, मुझे जान में जाना ही, और मैं भोपाल पहुंच गई हूँ. और येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही. टिल देन, बाय.